मनोबल तोड़ने के लिए चौटाला साहब को मजबूरन सरेंडर कराया गया था, वहीं उसके साथ साथ डेरा सरसा के प्रमुख के ऊपर सीबीआई से दबाव डलवा करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनसे बयान दिलवा दिया था कि अब की बार हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डेरे का एक एक प्रेमी वोट डालने का काम करेगा। साथियों, 15 ऐसी सीटें थी जो 300 से लेकर 1500 तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी केवल इसलिए हार गई थी कि वहां डेरा के प्रेमियों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल दिया। वहां बीजेपी के 15 विधायक जीत गए। अगर वो वोट ना डालते, अगर वो सत्ता के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी की मदद ना करते, तो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना होकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज हरियाणा प्रदेश में सत्ता में होती। साथियों, जहां उन लोगों का आसान सरकार को उतारना चाहिए था, सरकार ने आसान उतारने की बजाय जब राम रहीम जी की कोर्ट में पेशी हो रही थी, जब कोर्ट उनका फैसला करने जा रही थी, तो हरियाणा प्रदेश से लाखों लोगों को ये कह करके सरकार में बैठे लोगों ने बुलाया था कि आप हमारे मेहमान बन करके आओ, हम आपकी रहने का, खाने का, ठहरने का प्रबंध करने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, जब कोर्ट की तरफ से डेरा के प्रमुख को गिल्टी करार दे दिया गया, जब उनको सजा आपता कर दिया गया, तो संभाविक था कि उनके जो अनुयायी आए हुए थे उन्हें इस बात को लेकर के पीड़ा थी, वो कहीं ना कहीं उस बात पे गुस्सा इजहार कर रहे थे। जहां उन लाखों लोगों को फिर से समझा बुझा करके वापस भेजना चाहिए था, वापस भेजने की बजाय एक घंटे के अंदर 48 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 200 से ज्यादा लोग आज भी गायब है, जिन लोगों ने इनको सत्ता सौंपी थी, इन भाजपा के लोगों ने उनको भी बख्शने का काम नहीं किया। उसके अलावा तीसरा काम अगर